का शुभ संदेश विज्ञान योग गीता की बात करें तो पहले 6 अध्याय है वह है कर्मयोग, दूसरे 6 अध्याय ज्ञान योग, तीसरे 6 अध्याय भक्ति योग और सबका सारांश निष्कर्ष उपसंहार निकाले तो वो विज्ञान योग ध्यान योग हो गया। विज्ञान योग का अर्थ क्या है कि हमें जो है हमारे वर्तमान जगत को यानी जो इंद्रियों का जगत है और जो हमारे भीतर का जगत है ये दोनों जगत अलग अलग है, अलग अलग समझो, अलग अलग रहो, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगत में हम रह सकते हैं। वो बाहर का जगत तो हमारा जो है लायबिलिटी है, बाहर का जगत हमारी बाध्यता है, बाहर का जगत हमारा कर्ज है, बाहर का जगत हम पीछे से लेकर के आए हैं, यानी ये जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही काम है, इसका दूसरा कोई काम नहीं है। तो एक तो ये विज्ञान योग बताता है, ये सबसे बड़ा अध्यात्म योग है कि एक तो आप जो मन वचन काया है जिसे काम कर रहे हो वो तो करने दो, ये मैकेनिकल है, ये चलता रहेगा, आपकी इसके अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, ये तो कुदरत के अधीन है और करने वाला और था और तुम भोगने वाले और, इसलिए आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो अपने आप कुदरत आपको निमित्तों के माध्यम से भुगताएगी। आपको क्या करना है, आपको तो इससे मुक्त रहना है, मुक्त और अमुक्त। मुक्त का अर्थ होता है जुड़ना नहीं, अमुक्त का अर्थ होता है जुड़ना नहीं, और जो अमुक्त का अर्थ होता है जुड़ना। तो आप इसको देखते रहो, देखते देखते जब है ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। आप तो अपने स्वरूप को देखो, अपने आप में रहो, इससे अलग रहो, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, यह चिंतन करना विज्ञान योग।